आप देख रहे हैं एचआर न्यूज, मैं मोहनलाल। बात करते हैं किसानों की कि किसान किस तरीके से बाजरे की खरीद को लेकर के परेशान है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों का एक एक दाना बाजरे का खरीदा जाएगा, मगर बाजरे की कैसी खरीद हो रही है सुनाएंगे किसानों की जुबानी। आपको बता दें, इन दिनों मंडियों में नई फसलों की आवक आ रही है और बाजरे की खरीद जारी है, साथ में अन्य फसलें भी आ रही है, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा जो है जोर है वो बाजरे की खरीद को लेकर के है। सरकार ने दावा किया था कि हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल कर दिया है, यानी कि अब किसानों का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है जाएगा, उसी को लेकर के कई किसानों ने जैसे तैसे करके अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। किसान भी इस बात को मानते हैं कि अगर सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो ऑनलाइन की बनाई है और उसी के चलते उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन किसानों का आरोप यह है कि उन्होंने तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया जैसे तैसे करके, लेकिन जो फसलें खरीद को लेकर के मैसेज है उनके मोबाइल पे आ नहीं रहा है। कई कई दिन उनको रजिस्ट्रेशन कराए हो गए, आखिर उनकी फसल बिकेगी कब? हालांकि सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने कुछ एक दिन और बढ़ाए हैं बाजरे की खरीद को लेकर के, लेकिन किसानों में बड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर के। तो आपको बता दें, आए दिन किसान जो अनाज मंडी में मार्केट कमेटी है वहां अपनी शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं कि हमारा बाजरे का नंबर नहीं आ रहा है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। पहले भी एचआर न्यूज ने आपको दिखाया था किस तरीके से किसान हताश और परेशान है कि उनका नंबर नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो कितनी कितनी दूर उनका नंबर आ रहा है, वो भी हमने दिखाया था। आज फिर हमने मार्केट कमेटी का दौरा किया तो पाया किस तरीके से किसानों का वहां जमघट लग रहा है, किसान अपनी समस्या लेकर के आ रहे हैं और सरकार की नीतियों पर किस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनाएंगे आपको किसानों की जुबानी। जाहिर है बाजरे की खरीद को लेकर के किसानों में जबरदस्त रोष है कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, नंबर उनका आ नहीं रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि किसानों की समस्या को शासन प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ किसानों का कहना है, सुनिए आप बारी बारी। गांव फतेहपुरी टिप्पा का निवासी हूं। मैंने बाजरे का रजिस्ट्रेशन कराया था और उस सूची में मेरा नाम नहीं आया। चार दिन पहले मार्केट कमेटी में मैंने एप्लीकेशन दी थी, अब तक नियाज दोबारा दिया है और इन लोगों से पता करता हूँ कि ये कहते हैं हमें नहीं पता, चंडीगढ़ से आएगी सूची, चंडीगढ़ से सूची आएगी, हमें नहीं पता कब आएगी। सरकार तो कहती है हम एक एक दाना बाजरे का खरीदेंगे, आपको लगता है सरकार ने जो दावे किए हैं? ऐसा जी, गांव में कम से कम 20-25% लोगों के नाम नहीं आए सूची में। तो ऑनलाइन जो एक बात कर रही है सरकार के सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको इस पे विश्वास है? जैसा आपका नहीं विश्वास है नहीं, लोगों का नंबर नहीं आ रहा तो बिकेगा कैसे? सरकार तो कह रही है हम डिजिटल कर रहे हैं पूरे देश को डिजिटल, तो ये डिजिटल तो कर रहा है लेकिन नंबर तो नहीं आ रहा, तो क्या हुआ उसका? कभी आया हो और आप लोगों को ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? आपका कोई नहीं, हमने सूची पूरी चेक कर ली। मोबाइल चेक किया अपने? मोबाइल चेक किया और यहाँ भी पता करते हैं तो ये इनने सूची चेक की, ये भी मना कर रहे नहीं आए। आप इतने एक्सपर्ट हो, मोबाइल चला लेते हो? नहीं, मोबाइल तो बच्चे चलाते हैं, बच्चे चलाते, बच्चों का ही नंबर दे रखा है रजिस्ट्रेशन। कौन से गांव से आप? जोरहाट गांव। आपका भी नंबर नहीं आया? नंबर नहीं। मार्केट कमेटी में आया, कोई सुनवाई होगी आपकी? अभी आए हैं, अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, बातचीत करेंगे। सरकार तो कह रही हम दाना दाना खरीद रहे हैं, आप किसान कहते हम लोग परेशान है। दाना का तो नंबर ही नहीं आ रहा, खरीदेगी तो जब। रजिस्ट्रेशन कराया था आप लोगों ने? रजिस्ट्रेशन करवाया था। कितना बाजरा हुआ आपके? बाजरा है जी कम से कम 150 मन, तो ज्यादा ज्यादा है 150 मन है, लेकिन एक बार में तो 40 मन ही ले रहे हैं। 40 क्विंटल बोलो। हाँ 40 क्विंटल। हमारा दोपहर का है, दोपहर का है, तो अभी एक बार भी नंबर नहीं आया? एक बार भी नंबर नहीं आया। रजिस्ट्रेशन कराया कितने दिन हो गए? रजिस्ट्रेशन करवाया तो काफी दिन हो गए, 8-9 महीने। तभी करा लिया था, आज तक आपका नंबर नहीं आया? दो बार करवा लिया, दोनों बार नंबर नहीं आया, अभी नहीं आया। तो सरकार कह रही है हम डिजिटल करेंगे, तो ऐसा डिजिटल आपको लगता है कामयाब होगा? देखो कब कैसे क्या करेगी सरकार, अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, आगे का पता नहीं। आपका नाम बता? बोले नाम सतवीर सिंह। कौन सा गांव आपका? काकोड़ी गांव है जी, मैं तो कैंसर का मरीज हूँ, मेरा देखो ऑपरेशन देखो। तो सरकार तो कह रही है हम एक एक दाना खरीदेंगे? सरकार ने कोई एक दाना ना खरीदे, रजिस्ट्रेशन भी हो 18 तारीख की सारी बता रहे। अच्छा फिर क्या उम्मीद बाबू जी बताओ?
आपको यकीन है जो डिजिटल सरकार ने किया है उससे कोई आप लोगों को फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कुछ भी फायदा ना हुआ जो बाजरे ना बीच पूरे रेवाड़ी चक्कर काट रहा है मार्केट कमेटी। तो इससे पहले सरकार खरीदती थी आराम से होता था खरीदारी? हाँ गवर्निंग सही करा अब नहीं हो रहा तो नहीं एक रोज की जगह लाग रही थी उनका बाजरा बिक रहा है बाकी का डोलो नहीं। गोविंद राम जी कौन सा काम आपका? आपकी क्या समस्या है ये बताइए? नंबर मैसेज ना सरकार तो कह रही है हमने डिजिटल कर दिया कि गाना खरीदा जाएगा ये देख लो नेता तमाम दावे कर रहे हैं बड़े रोज चक्कर काटते हैं। कितने दिनों को चक्कर काटते हो? मैं रो 5-7 दिन यही हो गया। अच्छा मैसेज 20 तारीख तक आ गया उस महीना में। रजिस्ट्रेशन कब कराया था आप लोगों ने? 23-8 का। अब तो 10वां महीना हो गया तो 2 महीने बाद भी नंबर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे उस बात रहे? उम्मीद ही नहीं नंबर आया तो फिर क्या होगा देखना ही पड़ेगा प्राइवेट सरकार करे हम एमएसपी दे रहे हैं हर किसान को मिलेगा अभी नए अध्यादेश भी लागू किए हैं किसानों के हित में नहीं है ये। हाँ परेशानी है आपका शुभ नाम पूरा परिचय दो मुझे। जीवन राम गर्ग मेंबर मार्केट कमेटी मेंबर डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी। अच्छा आप मेंबर है मार्केट कमेटी के? जिन किसानों ने बाजरे का रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका नंबर नहीं आया उनकी संख्या करीब 2-4 दिन पहले 8,000 थी और रेवाड़ी की मंडी में खरीदारी 15 तारीख तक होनी थी 15 तारीख तक के मैसेज किसानों के पास आ गए। ओसड़ी और बावल में अनाज मंडी में खरीदारी 7 तारीख तक होनी थी तो वहाँ गुंजाइश है। यहाँ काफी किसानों ने 3,000 किसानों ने दरखास्तें दी उसके बाद सेक्टरी मार्केट कमेटी और अन्य स्टाफ ने रिक्वेस्ट भेजी पंचकूला तो यहाँ बाजरे की खरीद 500 किसानों की होती थी उसके बाद वो बढ़ाकर 650 कर दी गई। 3,000 किसानों की समस्या का समाधान हो गया। जो रिक्वेस्ट भेजी थी पंचकूला उसका जवाब आ गया किसानों के पास मैसेज आ गया आपकी बाजरे की खरीदारी हो। लेकिन इतने सारे किसान आ रहे हैं कि सारे किसान ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा हमारी मैंने बताया जैसे मैंने बताया 15 तारीख तक खरीदारी होनी थी 8,000 किसानों के नंबर नहीं आए मैसेज नहीं आया था 8,000 किसानों के पास पूरे जिले में। सरकार दावा कर रही है नहीं फिर मेरी बात कैसे दाना खरीदा जाएगा? उसके बाद सुनो ना मैंने बताया उसके बाद 500 सर्व में 100 किसान दोस्तों 300-400 450 से 650 के करीब कर दिए किसानों की संख्या 200 किसानों की संख्या बढ़ गई 3,000 की समस्या का समाधान हो गया। रिक्वेस्ट यहाँ भेजी उनके मोबाइल पर मैसेज आ गया नंबर तो नहीं उनके पास आगे बेटे जिन्होंने दरखास्त की उनके पास और इनका इनके हाथ में यही आपकी रिक्वेस्ट भेजना दरखास्त। ये जो दावा कर रहे हैं कितनी सच्चाई है इनके दावों में वो अभी पता नहीं सर हमने 10 दिन हो गए देते हुए अब तक तो कोई मैसेज कुछ भी नहीं आया है। सभी किसान ये कहते हैं कि भाई आएंगे कुछ भी नहीं हुआ अब तक। ये मार्केट कमेटी के मेंबर ये दावा कर रहे हैं उनका तो कह नहीं सकते कि हम आएंगे नहीं आएंगे भैया से पूछ रहा है कि कह रहे हैं कि अभी तक कोई समाधान नहीं है आप भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं सभी किसान परेशान है किसी का भी नहीं आएंगे जिनका लेना था उनका ले लिया। तो सरकार जो दावे कर रही है कि हम एक दाना खरीदेंगे आइए कही थी अब तक तो कोई मैटर कोई सोल्यूशन किसी का समाधान नहीं किया सभी ऐसे कह रहे कि एप्लीकेशन दो और जाओ हम आगे भेजेंगे आएंगे नहीं आएगी आपको बता देंगे आएगी तो मैसेज आ जाएगा नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आप लोग दुविधा में फंसे पड़े दुविधा तो सरकार जो दावे कर रही है वो उनका तो है ही काम ये कहना कि हाँ लेंगे 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 और अब तक लेते तो सभी के मैसेज आते जिनका आना तो उनका मैसेज आ लिया जिनके नहीं आना हुए अपन घर बैठे रहो। नरेश कुमार सुनो श्रीमान सर कहाँ से कौन से गाँव जाट शहर वो। अच्छा तो आपका भी नहीं खरीदा गया बाजरा? नहीं खरीदा गया है जी आया है 6 तारीख कर है जी लेकिन 2 किलो करवाए थे जी 1 किलो का और है क्या बात है इब्नू बताओ बाजरा कहाँ ले जाएंगे उन्होंने एक बार में 40 मन लेंगे नहीं ये बात नहीं मान लो ले सारा है जी थोड़ी का 8 क्विंटल का आ लिया फिर छुट्टी होगी सबकी ये क्या सिस्टम जी इसलिए कह रहे हैं बाजरा तो पूरा खरीदो किसानों को आए से थोड़ी मन मर्जी खरीद लिया जय राम जी की सरकार तो कह रही है कि दाना हम खरीदेंगे कहा सरकार ने खरीदा जी सरकार ने तो 2 किलो का करवाया था 8 क्विंटल का आ रहा है 1 किले का 2 किले का क्यों नहीं आया सरकार तो कह रही है नया अध्यादेश भी लाए वो भी किसानों के हित में है तो कैसे आया कब आएगा ये 17 तारीख लास्ट डेट बता रखी है फिर उसके बाद में क्या आएगा कितना बाजरा हुआ आपके पास? बाजरा 50 मन है मेरे पास 50 मन है ये 50 मन बाजरा सारा 8 क्विंटल बाजरा बिकेगा 20 मन बाजरा बिकेगा 30 मन बाजरा कहा ले जाऊंगा तो सुनने वाला है कोई कोई सुनने वाला नहीं है पटवारी ना करके जाए कहीं की भी सर्वे अरे ऐसा कुंडा पैदा हो रहा है देसी वकील हो रहा है हमारे गाँव में तो
कौन सा गांव भाई आप? मेरे गांव दाट शहर वासत देसी वकील से मैं अपने एक जगह बैठा के करवा ले अपना तो 10-10 किलो लिखवा ले महाराज सके 1 किलो भी ना लिखोगे ये कौन सिस्टम वाली बात? आप लोगों ने विरोध किया था इस चीजों का? कोई विरोध ना कर, विरोध करने को टाइम हो तभी तो कराऊं विरोध, लेकिन यहां से गुंडा का लीतरो जो गुंडा हो रहा था ना उनका खत आ रहा सर शरीर पैद में अगना आ रहा कहीं का तो किसान धक्के खा रहा है, धक्का खा रहा है ऐसे कपास और बाजरा की तो सर्वे करी थी उनमें हमारा सिस्टम ऐसे ही आ रहा है। तो मार्केट कमेटी में सुनने वाला कोई है या कौन सुनने वाला है? ये आप सुन रहा हूँ और कौन सुन रहा है? देखो क्या सिचुएशन रही इसकी। उन्होंने बोल दिया कि अपने आप मैसेज आ जाएगा, हमने एप्लीकेशन भेज दी है, अभी तक कोई बाजरे की खरीद किसी प्रकार की नहीं हुई हमारे यहाँ। मेरे गांव से सिर्फ एक बंदे का नंबर आया है, बाकी गांव में 250 के करीब घर हैं, सभी के पास लगभग खेती बाड़ी है, 90% लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी पे ही डिपेंड है। सिर्फ एक आदमी का रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ था उसका एक का ही आया है नंबर, बाकी सबके ऐसे ही पड़े हैं। किसी का नंबर नहीं कर रही है कि हम एक एक दाना दाना खरीदेंगे। सर एक एक दाने के लिए तो हर बार कहते हैं, ऐसे सरसों के टाइम में भी सेम परेशानी आई थी। सरसों के टाइम में क्या हुआ था कि हमारे पास सरसों थी कुछ ज्यादा, बिकी हमारे पास कम, ठीक है। उन्होंने बोले एक एक दाना खरीदेंगे, उसके लिए भी हमें ऐसे धक्के खाने पड़े, तब जाके नंबर लगाया था, उसमें भी फिर पूरी सरसों हमारी नहीं बिक पाई। अध्यादेश भी हम किसानों के हित में लाए हैं, किसानों की जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा सिर्फ भाषणबाजी करने से बोलने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट आपके सामने है, भीड़ आप देख चुके हैं यहाँ पे कितने लोगों की परेशानी है। आप एप्लीकेशन देखो कितने लोग एक जवाब दे देते हैं, जैसे ही कहते हैं कि ये नंबर नहीं आया, एक ब्लैंक पेपर दे देते हैं, इसका एप्लीकेशन लिख के और दे जाओ। ये चीजें होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कोई सुनने वाला है? अब ये तो डिजिटल हो गया, ये भी कैसे? ये बताओ, ये एप्लीकेशन लिख के दे दी, उसके ऊपर आगे क्या एक्शन लिया? हमारे पास क्या प्रूफ है कि आपने इसको भेजा या नहीं भेजा? हो सकता है कि एप्लीकेशन जो लिखी थी उसको रख लिया हो, एप्लीकेशन को आगे भेजी नहीं भेजी, उस चीज के लिए क्या प्रूफ है कि भाई हमने एप्लीकेशन आगे भेजी है? सब सरकार की नीतियों से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ये अध्यादेश जो आए वो आपके हक में नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। जब किसानों की फसल ही नहीं बिकेगी तो सरकार के हित में आएंगे कैसे? तो देखिए, हमने आपको किसानों की हर परेशानी सुनाई, किस तरीके से किसान परेशान है, मार्केट कमेटी में वो आ रहे हैं, एक तरफ मंडी में जो खरीद चल रही है, किसान जिनके नंबर आ रहे हैं वो अपनी फसलें बेच रहे हैं, दूसरी ओर जिनका नंबर नहीं आ रहा वो कितने हताश हैं। आपने सुना किस तरीके से वो सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि सरकार ने दावा किया था कि वो बाजरे का एक एक दाना खरीदेगी। सरकार ही नहीं, सरकार में बैठे विधायक और मंत्री भी लगातार दावे कर रहे हैं कि वो एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा। वो हमने आपको सुनाया किसानों की जवानी कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है खरीद के अंदर, ले खरीद को लेकर के कि बाजरे की जो खरीद हो रही है उसकी क्या सच्चाई है। फिलहाल इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।